अंतर सीओ में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी महिलाओं ने कमेंट किया है कि हम बैक पेन के साथ बैली फैट को कैसे रिड्यूस करें, तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीठ दर्द यानी बैक पेन के साथ पेट की चर्बी को कम करने के लिए आपको कौन सा योगासन करना चाहिए। मेरे साथ हैं ये अंतस के मेंबर्स जो आपको पूरा वार्म अप सेशन एवं योगासन करके दिखाएंगे। ध्यान रहे ये सभी एक्सरसाइज मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। किसी भी योगासन को शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी है बॉडी को वार्म अप करना। जैसे कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, थोड़ा सा लेफ्ट राइट पैरों को चलाते हुए बॉडी को वार्म अप कर लीजिए। 1 से 2 मिनट सेकेंड वर्कआउट वार्म अप सेशन का साइड ट्विस्ट। ध्यान रखिए जब भी आप साइड में ट्विस्ट करेंगे सांस को बाहर निकालेंगे, सेंटर में इनहेल, साइड में एक्सहेल, पूरी तरह पेट को खाली करते हुए। पेट की साइड्स की चर्बी को कम करने के लिए साथ ही साथ पेट की मसल्स को वार्म अप करने के लिए थर्ड वर्कआउट, दोनों हाथ कंधे पर, सांस को बाहर निकालते हुए कोहनी को घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे। कम से कम ये तीनों एक्सरसाइज 2 से 3 मिनट ज़रूर करें। उसके पश्चात 20 सेकंड का विश्राम। दोनों पैर सीधे, गहरा सांस भरते हुए एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए पीछे की ओर फोल्ड कर लीजिए। इसके पश्चात सांस को बाहर निकालते हुए दूसरे पैर को पहले पैर के ऊपर रख लीजिए। एडी को नाभि के पास रखते हुए गहरा सांस भरते हुए फिर से जो पैर ऊपर रखा है उसी हाथ को पीछे से लाकर पैर का अंगूठा पकड़ते हुए, इसके पश्चात फिर से गहरा सांस, सांस को बाहर निकालते हुए जो पैर ऊपर है उस घुटने पर रखते हुए कमर को पूरी तरह ट्विस्ट कीजिए। 5 लंबे गहरे श्वास पर श्वास। थोड़ी देर अपनी क्षमता अनुसार पोस्चर को होल्ड कीजिए। बहुत ही इफेक्टिव पोज कमर दर्द और पेट की चर्बी को कम करता है ये आसन। एक तरफ से करने के पश्चात थोड़ी देर विश्राम, दोनों हाथ जमीन पर रखकर कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। श्वास पर श्वास को सामान्य कीजिए। इसी प्रकार दूसरी तरफ से गहरा श्वास भरते हुए एक पैर को फोल्ड कीजिए, सांस को बाहर निकालते हुए दूसरे पैर को पहले पैर के ऊपर रख लीजिए। जो पैर ऊपर है उसी हाथ से पीछे से पैर का अंगूठा पकड़ते हुए एक हाथ बिल्कुल स्ट्रेट और सांस को बाहर निकालते हुए दूसरे घुटने पर रख लीजिए। पेट में खिंचाव को महसूस कीजिए। यह आसन आपके उदर में मौजूद अंगों पर सकारात्मक असर करता है जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन और पाचन संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। अपनी क्षमता अनुसार दोनों तरफ से इसका अभ्यास करें। उसके पश्चात थोड़ी देर रेस्ट। अगर आप योगाभ्यास पहली बार कर रहे हैं और ये पहले वाला आसन आपसे नहीं हो रहा तो इसकी दूसरी टेक्निक, जैसे कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, सिंपल दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। पैर का अंगूठा पकड़ने की जरूरत नहीं है इसमें। सांस को बाहर निकालकर अपोजिट हैंड को घुटने पर रखते हुए एक हाथ कमर के पीछे, पाचन तंत्र को मजबूत करने वाला ये भारद्वाज आसन शरीर और मन के बीच संतुलन बनाने का भी काम करता है। और नियमित इस आसन के करने से ब्लड प्रेशर की समस्या भी नियंत्रित रहती है और साथ ही साथ ये आसन करने में भी आसान है। जो लोग पहली वाली अवस्था नहीं कर सकते वो इस आसन से फायदा ले सकते हैं। इसके नियमित अभ्यास से शरीर के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों में खिंचाव होता है, साथ ही साथ पेट पर खिंचाव आने के कारण वहां पर जमी हुई वसा कम होती है। ध्यान रहे आसन कंप्लीट होने के बाद इस प्रकार का रेस्ट जरूर लें और अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करें। देखते रहिए अंतस्यो। इस चैनल पर हम शरीर एवं मन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान योग के माध्यम से बताते हैं, अतः इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप इसे बढ़ाने में सहयोग दें ताकि सभी लोग स्वस्थ एवं निरोग जीवन जी सकें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली पूरी वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आप कमेंट करके अपने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। अंतस योग।